अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स की साइंस से। तो आपको याद होगा कि हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लिया था, और आज हमारे सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। सही, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा हमारे चैप्टर में। तो पहले हमने बात की थी सिस्टम की, कि निज़ाम क्या होता है, किस तरह से निज़ाम को चलाया जाता है, और एक निज़ाम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से उसूल किसी निज़ाम में होने चाहिए उस निज़ाम को बेहतरीन चलाने के लिए। फिर हमने बात कही थी जानदारों के निज़ाम की, कि जानदारों की जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, सिस्टम क्या है। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जितने भी जानदार हैं, आया एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या खुद इंसान है, उसकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, और जो बुनियाद है उसकी बॉडी की वो एक सेल है। तो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से होती है, कि अब सेल क्या था, तो आपके सेल जो है वो इतना छोटा होता है, और एक जो है आपके पास जिंदा एक पार्ट है लिविंग बॉडी का। वो तमाम काम जो एक जानदार परफॉर्म करता है, वो तमाम काम उसकी बॉडी का हर एक सेल भी परफॉर्म करता है। सही है, तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लिविंग पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनाइज्म। फिर हमने बात की थी कि सेल इतना स्मॉलेस्ट है, तो उसको देखने के लिए क्या नीड पड़ी माइक्रोस्कोप की। तो पहले माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, उसके बाद जो है वह सेल को देखा गया। सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। देन उसके बाद जो है और लोगों ने भी सेल पे काम किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर हमने बात की थी माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप की हमने बात करी थी, कि मैग्नीफाइंग ग्लास में एक ही लेंस होता है, लेकिन आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो एक मशीन की तरह होता है, और जो है उसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, उसकी पावर भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। सही, फिर हमने बात कही थी कि अगर सेल्स की बात करें, जानदारों के दो किस्म हैं। एक तो जानदार वो हैं जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म। लेकिन कुछ जानदार ऐसे भी जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनको कहा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। सही, कसीर खलबी। तो यहाँ की जब हम अपने ये बात डिस्कस कर ली, उसके बाद हमारा असल टॉपिक ये है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म का मतलब वो जानदार, यानी माइक्रो का मतलब ही क्या है, छोटे। सही, माइक्रोस्कोप से लफ्ज़ आया है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। तो ऐसे जानदार जो साइज़ में इतने छोटे हों जो आम इंसान या आँख नहीं देख सके, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, तो उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जानदारों की वो इकसाम या वो किस्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, जिन्हें आम इंसानी आंख नहीं देख सकती, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कहा जाएगा। अब इसके अंदर सिंगल सेल वाले तो आएंगे, सही है, बैक्टीरिया वगैरह तो आ जाएंगे, जर्म्स वगैरह तो आ जाएंगे, लेकिन कुछ कसीर खलवी जानदार भी ऐसे हैं जो आम इंसानी आँख नहीं देख सकती। सही है, यहाँ पर माइक्रोस्कोप जो लफ्ज़ है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, इसका ताल्लुक सिंगल सेल या मल्टी सेल से नहीं है। सही, ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल नहीं दिखते मल्टी सेल दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। सही, यहाँ पे ताल्लुक सिर्फ साइज़ का हो रहा है। सही, माइक्रो साइज़ का हो रहा है। वो जानदार भले जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन साइज़ इतना छोटा है कि उन्हें आम इंसानी आँख नहीं देख सकती, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनाइज्म ही कहलाएंगे। सही, तो क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड ह्यूमन आई, जिन्हें आम इंसानी आंख नहीं देख सकती, ऐसे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कहा जाएगा। सही, जिनके लिए माइक्रोस्कोप जो है वो रिक्वायर्ड होता है उनको देखने के लिए। साइज में इतने छोटे हैं कि वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, बज़ाहिर इंसानी आंख उन्हें नहीं देख सकती। तो बैक्टीरिया है, अल्जी है, फंजाई है, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, और ऐसे बहुत सारे जानदार ज़मीन पर हैं जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हैं, जिनके बारे में हमने माइक्रोस्कोप के आने के बाद पढ़ा। सही है, पहले माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, उसके बाद उन जानदारों को देखा गया जो दुनिया में मौजूद तो थे लेकिन दिखते नहीं थे। सही, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म्स की अगर बात की जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज के अंदर।
सही है, हार्मफुल एंड यूजफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जो हैं वो यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर। जैसे अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बहुत से बैक्टीरिया यूजफुल हैं और बहुत से बैक्टीरिया हार्मफुल भी हैं। पहले हम यूजफुल की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास फूड आइटम की अगर बात की जाए तो बहुत से फूड आइटम ऐसे हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल दूध से दही का बनाना, जो दही जो बनता है हमारे पास, योगर्ट जो बनता है वो दूध से बनता है, लेकिन उसको बनाने के लिए वहाँ पे ज़रूरी है बैक्टीरिया की एक्टिविटी। अगर वहाँ बैक्टीरिया की एक्टिविटी नहीं है तो वो दूध कभी भी दही नहीं बनेगा। सही, होता क्या है कि जो दूध है वहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया उस दूध को कन्वर्ट करता है प्रोटीन के अंदर, जिसको आप दही कहते हैं। सही, तो वहाँ बैक्टीरिया की नीड है। इस तरह जो आपके पास खमीरी आटा होता है, जिसको मोस्टली बेकरी आइटम्स में यूज़ करते हैं बन बनाने के लिए या डब रोटी बनाने के लिए, या जो पिज़्ज़ा वगैरह का जो डो होता है, रोटी जो होती है खमीरी रोटी पिज़्ज़ा की, वो भी आपके पास जो है वो इससे बनाया जाता है, यीस्ट से बनते हैं। खमीर क्या है? खमीर एक फंजाई है, बट इट इज़ आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की, भले किसी भी ग्रुप का हो, वो एनिमल हो, प्लांट हो, या फिर जो है वो कोई भी हो। सही, तो इस तरह यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको डिफरेंट फूड आइटम में यूज़ किया जाता है। और जो मोस्टली बेकरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जो बेकरी से आती हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है इन बैक्टीरिया, इन माइक्रो ऑर्गेनाइज्म का, उनकी फॉर्मेशन के लिए। सही है, बहुत कॉमन प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में तो यूज़ ही जो है वो इन्हीं बैक्टीरिया और ईस्ट वगैरह का होता है, जिससे डिफरेंट टाइप की बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। सही, इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो पहला तो हमने क्या देख लिया, यूज़फुल फूड में देख लिया कि बेकरी प्रोडक्ट्स में हमने देख लिया पहला यूज़फुल इम्पैक्ट क्या है। दूसरे की हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर। सही, तो जितनी भी हमारे पास मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको बनाने के लिए इन्हीं माइक्रोऑर्गेनाइज्म को यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक पेनिसिलिन है, बहुत कॉमन पेनिसिलियम फंजाई से वो बनती है। सही है, तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो मेडिसिन को बनाने के लिए इन ऑर्गेनाइज्म को, जो नहीं दिखते आम इंसान की आँख से, इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, क्योंकि मोस्टली जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती हैं। अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए उस बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। एक ख़ास एंटीबायोटिक एक ख़ास बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती है। सही, तो दूसरा तो ये हो गया मेडिसिन में इनका इम्पैक्ट है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, फॉर एग्जांपल क्या इनका यूज़फुल इम्पैक्ट हो सकता है, कि ये बहुत से ऑर्गेनाइजम्स की बॉडी में भी होते हैं जहाँ पे ये अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है, हमारी बॉडी में भी या हमारे जो है स्किन वगैरह पर भी ऐसे ख़ास बैक्टीरिया हैं जो काम करते हैं, बॉडी में यूज़फुल होते हैं, उनकी एक अहमियत है। फॉर एग्जांपल कि जो गाय जो हर्बीवोरस है हमारे पास, बकरी वगैरह, उनकी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उनको मदद करते हैं चारे को हजम करने में। सही है, हम सारा नहीं कहते हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वो मौजूद नहीं है, हम उगल देंगे बाहर उसको, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो हर्बीवोरस, उनकी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया हैं जो उसको वहाँ डाइजेस्ट करवाते हैं। सही है, तो आपके पास ऐसे भी बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया हैं। उसके बाद अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की हार्मफुल इम्पैक्ट, क्योंकि कितने हार्मफुल हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हमारे पास मौजूद हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की वजह से आती हैं। सही है, डिजीज की बात करते हैं अभी हम। आपके पास ट्यूबरक्लोसिस है, डायरिया है, सही है, वायरल फीवर है या कोई बैक्टीरियल फीवर है, मलेरिया वगैरह जो है, तो ये भी कौन फैला रहा है ये सब बीमारियाँ? ये सब माइक्रो ऑर्गेनाइज्म ही इसके ज़िम्मेदार हैं। सही है, ये जरासीम या बैक्टीरिया या वायरसेस, ये प्लाज्मोडियम वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह हर तरफ मौजूद हैं, आपको दिखते नहीं हैं लेकिन ये मौजूद हैं, और ये जब ये बॉडी में एंटर होते हैं तो बॉडी में कोई ना कोई बीमारी कॉज करते हैं। डिफरेंट टाइप की आपके पास जो है वो डिजीज़ ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की वजह से फैलती हैं। तो पहला तो ये बीमारियाँ फैलाते हैं। सही है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है आपके पास कि जो है वो एनवायरनमेंट में भी इनका काफ़ी इम्पैक्ट है, कि ये माहौल को, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो माहौल को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी जो साफ़ करते हैं। सही है, जैसे कि आपके पास जो सीवेज वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। आपके पास सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट के लिए बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं कि वो उस गंध को अलग कर देते हैं और पानी को अलग कर देते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी हार्मफुल हैं जो बीमारियाँ कॉज कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जो भी हो आपके पास, उनके दोनों एस्पेक्ट से देखा जाता है कि वो यूज़फुल हैं या वो हार्मफुल हैं, यूज़फुल इम्पैक्ट भी हैं और हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं।
तो आपके पास ये माइक्रो ऑर्गेनाइजम जो होते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजम है, इनकी बॉडी में भी सेल मौजूद है, लेकिन उनके सेल्स की जो साइज है वो इतना छोटा है कि वो आम इंसानी आंख देख नहीं सकती। यहाँ पे यूनि या मल्टी की बात नहीं की जाएगी, जस्ट यहाँ पे साइज की बात की जाएगी कि साइज इतना छोटा है नज़र नहीं आएगा आम इंसानी आंख से, तो क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोस्कोप। तो ये तो हो गई माइक्रो ऑर्गेनाइजम की बात। अब हम स्टडी करेंगे सेल्स को कि एक सेल खुद कैसा होता है, उस सेल की शक्ल कैसी होती है। तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनिमल सेल को, सही है, कि एनिमल सेल कैसा होगा और एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होंगे, वो आइए हम स्टडी कर लेते। तो हमें पता है कि ऑल ऑर्गेनाइजम आर कंपोज ऑफ सेल, जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये सेल जो एक बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ज़िंदगी का, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो जो सारा फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म कर रही होती हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ एनिमल सेल की, तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम पार्ट्स जो सेल का हिस्सा हैं उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स, यानी पार्ट्स ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो उसमें अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो यहाँ पे जो पहला है वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आपकी बुक में डायग्राम मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं, पूरा सेल बनाया गया एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर कवरिंग होती है किसकी? एनिमल सेल की, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सही, जिसने कवर किया होता है पूरे एनिमल सेल को, और ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है चीज़ों को, सेल के इनसाइड या आउटसाइड मूव करवाती है। सेल मेम्ब्रेन से अगर अंदर आएंगे तो एक लिक्विड मौजूद है, एक फ्लूड मौजूद है, एक जेली टाइप मटेरियल मौजूद है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, सही। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड है, एक फ्लूड है, जो आपके पास एक वो जगह है जहाँ पर सेल की तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल मटेरियल से यहाँ बनते हैं और उनको जो है वो स्टोर किया जाता है, सही। फ्लूड है एक ये सेल के अंदर मौजूद। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो पहला है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आम लफ्ज़ों में जो है वो पावर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि जो एनर्जी बनाने वाला काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। जो सेल्स के अंदर एनर्जी, मैंने कहा था जो सारे जो काम जो है वो बॉडी करेगा वो काम सेल करेगा। जब बॉडी को यूज़ है एनर्जी की तो सेल को भी ज़रूरत है एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है सेल का, जो सेल के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक मेम्ब्रेन्स का बना हुआ एक नेटवर्क है, एक जाल है, नालियों का बना हुआ, मेम्ब्रेन की नालियों का बना हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। उसका काम भी यही है कि ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है चीज़ों को इनसाइड और आउटसाइड द सेल। देन उसके बाद है यहाँ पर गोल्जी बॉडीज। एनिमल सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज जो है वो भी मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, सही, यानी सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है ये, और इनका काम ये होता है कि ये अगर कोई हार्मफुल केमिकल बॉडी के अंदर आ रहा है तो इसको उसी वक्त जो है वो ख़त्म कर देती हैं। और एक सेल का जो मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल का मेन पार्ट होता है, जो सेल के सेंटर में होता है, राउंड या इरेगुलर शेप का होगा, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 39 के ऊपर एनिमल सेल की डायग्राम मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट को बहुत वाज़े दिखाया गया है। मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपके पास जो पहली आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, सही। न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होती है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इन दोनों के दरमियान जो फ्लूड मौजूद है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। अगर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है तो ये गोल्जी बॉडीज कहलाएगा। अगर बीड लाइक स्ट्रक्चर है, किडनी शेप्ड है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब जहाँ के सेल्स को ज़्यादा नीड है एनर्जी की, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, और जिन सेल्स पर एनर्जी की कम नीड है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की बात की जाए, ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट हर वक्त काम कर रहा है, कभी भी स्टॉप नहीं होता,
तो हर वक्त एनर्जी चाहिए, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, सही है, एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। न्यूक्लियस के अंदर की बात की जाए तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमेटीन का बना हुआ एक जाल है जिन्हें क्रोमोजोम कहा जाता है, डीएनए का बना हुआ। तो ये कुछ एनिमल सेल जो है इस तरह का होता है, और एनिमल सेल में जो है ये डिफरेंट पार्ट जो है वो होते हैं, एक पार्ट में यहाँ पे भूल गया, वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल जो हैं वो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, खाली थैले होते हैं ये, जिनके अंदर जो एनिमल्स हैं वो कुछ टाइप ऑफ फूड मटेरियल या कोई केमिकल इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सही है। अगर सिंगल सेल की बात की जाए, अमीबा की बात की जाए, तो अमीबा जो होता है वो इन्हीं वैक्यूल्स के अंदर, क्योंकि सिंगल सेल है कोई बॉडी में निज़ाम मौजूद नहीं है, सही है, तो इन्हीं से वैक्यूल के अंदर वो अपना फूड भी स्टोर करता है और इन्हीं वैक्यूल के अंदर वो अपना वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करता है। तो वैक्यूल जो है वो खाली थैले हैं जिनके अंदर कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड जमा किया जाता है, सही। तो ये आपके पास पार्ट्स हैं एनिमल सेल के, एनिमल सेल जो है वो इन फॉलोइंग पार्ट्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, जिन्हें सेल ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। पहला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, देन साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज हैं, सही है, वैक्यूल हैं, सही। फिर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह हैं जो सारा काम आए परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, पूरा एनिमल सेल की बात की जा रही है। कल हम फिर जो है वो स्टडी करेंगे प्लांट सेल को। प्लांट्स और एनिमल सेल में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है, बॉडी बिल्कुल अलग है, तो प्लांट्स और एनिमल सेल में बहुत डिफरेंस है। पार्ट्स कुछ सेम है और कुछ मुख्तलिफ है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। आपने करना ये है कि इस पूरे टॉपिक की समरी बनानी है और इसको पूरा पढ़ लेना है, एक बार स्टडी कर लेना है। अगर कोई पॉइंट छूट भी गया हो तो आपको बुक में मिल जाए, आपकी बुक में बहुत सारी डायग्राम भी मौजूद है, समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अभी होमवर्क क्लासवर्क दिया जा रहा है वो आपने अभी कम्प्लीट करना है। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लासवर्क टाइम, और अब बारी है आपके होमवर्क की।